यूएफसी के अंदर अगर आज तक कोई सबसे बड़ी फाइट हुई है, सबसे बड़ी राइवलरी रही है, तो वो कॉनर मैग्रेगर वर्सेस हबीब नुर्मागोमेडोव की राइवलरी हुई थी। ये जो फाइट हुई थी कॉनर वर्सेस हबीब, ये यूएफसी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट थी, मोस्ट सेलिंग फाइट थी एमएमए की हिस्ट्री की, और कोई भी ऐसी एमएमए की फाइट नहीं है जो आज तक इसके क्लोज भी आ पाई है। कॉनर मैग्रेगर आर्ग्यूएबली कॉम्बैट स्पोर्ट्स और एमएमए की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी होल्ड करता है। इसी पॉपुलैरिटी और सुपरस्टारडम के कारण कुछ दिनों पहले कॉनर मैग्रेगर की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई मैग्रेगर फॉरएवर, और उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया गया, और उसका फर्स्ट एपिसोड में स्पेसिफिकली बात करी गई ये जो हबीब वाली फाइट थी और हबीब के फाइट की पूरी ट्रेनिंग कैंप वगैरह की बहुत सारी चीजें रिवील करी गई, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है कि आप सबने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया और 3000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए। मैंने गोल रखा था कि मई के एंड तक 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, लेकिन आप सबने 8 दिन पहले ही ये सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट कर लिया, तो इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू आप सबको। और आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा चैनल के लिए, और मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट इंप्रूव करते हुए आप सबके लिए प्रोवाइड कराता रहूं। तो भाइयों, अब बात करते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है मैग्रेगर फॉरएवर, इसके इस बारे में आप सबने भी मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे। कुछ बंदे पूछ रहे थे कि इसमें जो चीजें दिखाई गई है क्या वो सच है या क्या वो ड्रामेटाइज करी गई है एक्स्ट्रा। तो देखिए, मैं यहां पर एक चीज आप सबको क्लियर कर देता हूं, एक मूवी में और एक डॉक्यूमेंट्री में, डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, वो पूरी चीजें साथ साथ रिकॉर्ड होते रहती है और वो सारी चीजें फैक्ट बेस्ड होती है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। लेकिन मूवी एक स्क्रिप्ट के हिसाब से दी हुई रहती है, या बायोपिक जो बनती है वो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से बनती है, उसमें थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट में चेंजेस करा जाता है ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं और ये सारी चीजें एक्चुअली में हुई हैं। आप देख सकते हो कि कॉनर मैग्रेगर की जो भी क्लिप्स इस डॉक्यूमेंट्री में यूज हुई है सब पुरानी क्लिप्स हैं, उसमें नए अभी का कॉनर मैग्रेगर काफी डिफरेंट भी दिखता है एज कम्पेयर टू 2018-2020 वाला कॉनर मैग्रेगर। तो इसके अंदर ये चीजें तो बिल्कुल है, जो भी इस चीजों में दिखाई गई है डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो सारी चीजें 100% सही है और एक्चुअल में वो सारी चीजें गई है, कोई भी चीजें आप एक्टिंग नहीं करी गई है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। इसी डॉक्यूमेंट्री का जो फर्स्ट एपिसोड था, ये पूरी तरीके से सेंटर्ड था यूएफसी 229, जिसमें हबीब और कॉनर मैग्रेगर की फाइट हुई थी। तो देखिए, ये फाइट जो हुई थी ये बहुत ही बड़े मेगा स्टारडम तक लेके गई थी इस यूएफसी को, और ग्लोबल स्पोर्ट बना दिया था यूएफसी को, काफी सारे नए लोग जुड़े थे उसके बाद यूएफसी में। स्पेसिफिकली ये फाइट इसलिए भी पॉपुलर थी कि दोनों फाइटर के बीच में बहुत ज्यादा बैड ब्लड था और दोनों के बीच में काफी बड़ी राइवलरी चल रही थी। और उसी टाइम पे दिखाया जाता है कि जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कॉनर मैग्रेगर, वो काफी डार्क फेज के थ्रू जाते हैं। उनका जो पूरा ट्रेनिंग कैंप था वो पूरा डार्क एंड डिप्रेस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैंप था, जिसमें वो सिर्फ स्पारिंग कर, और इसमें ये दिखाया गया कि जब वो स्पारिंग कर रहे होते हैं और फाइट के 3 वीक्स पहले कॉनर मैग्रेगर की जो लेग की 2 उंगलियां टूट जाती है, जो 2 टोज होती है वो टूट जाती है कॉनर मैग्रेगर की। अब ये 2 टोज जो कॉनर मैग्रेगर की थी, ये टूटी थी कि ये डिसलोकेट हुई थी, ये पूरी तरीके से क्लियर डॉक्यूमेंट्री में बताया नहीं। आप सब खुद भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आप अपने हिसाब से जज कर लेना, बट डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम तो जरूर हो गई थी और वहां पर काफी सारा फिजियोथेरेपी वगैरह कराना पड़ा कॉनर मैग्रेगर को। तो इस जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या कॉनर मैग्रेगर ने उस फाइट को लड़ा था इंजर्ड होते हुए, और क्या इंजर्ड कॉनर मैग्रेगर था जिसके कारण उसने वो फाइट हारी या अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो आप सबको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेता हूं, देखिए एमएमए कॉम्बैट स्पोर्ट्स ये सारी चीजें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। आप सबको लगता होगा कि कोई भी फाइटर जाके यहाँ पे क्यों नहीं फाइट कर लेता। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप सबको सिर्फ वहाँ पर 10 मिनट फाइट नहीं करना होता है, ये हमारा जो एक्चुअल फाइट होती है वो 10-15-20 मिनट चलती है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें होती है ना वो बहुत सारी चीज़ें होती है, और जो रियल वॉर होता है और जो रियल टफनेस होती है ना वो वहाँ पर ही होती है। अगर आपने अपने आप को इंजुरी फ्री रखा, अपने आप को हेल्दी रखा और आप फाइट तक गए, तो ये पूरा फाइट का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूजुअली हमने देखा है एमएमए के अंदर एक ऐसा गेम है कि फाइटर्स 100% नहीं होते जब वो फाइट करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इंजुरीज के साथ ही हर फाइटर फाइट करने जाता है, और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई फाइटर 100% अपनी पूरी हेल्थ पे हो, कोई भी इंजुरी नहीं हो और वहां पर वो फाइट करने गया हो। और सिमिलरली देखिए, यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई जिसके कारण हमें पता चला कि उनके टोज में इंजुरी होगी, और मैं यहाँ पर एक चीज़ काइंड ऑफ श्योरली बता सकता हूँ कि अगर हबीब कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते हैं या वो कोई डॉक्यूमेंट्री अपनी कर रहे होंगे या कुछ रिलीज होती है बाद में, तो उसमें भी हमें ज़रूर पता चलेगा कि हबीब ने भी अपनी बहुत सारी फाइट्स में इंजुरी के थ्रू फाइट किया होगा और इंजुरी के थ्रू फाइट के अंदर गए होंगे। तो ये सारी माइनर इंजुरीज हमेशा फाइटर्स को होते रहती है। अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये इंजुरी नहीं होती तो कॉनर मैग्रेगर हबीब को हरा देता
ये फाइट बहुत टफ होती है, फाइट डिफरेंट जाती है, आज की चीज़ों को हम ज़्यादा खोद के आउटकम को बदल नहीं सकते हैं, जो ये फाइट होनी थी वो हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या सच में अगर कॉनर मैकग्रेगर 100% हेल्दी होता तो वो फाइट में अलग तरीके से परफॉर्म कर पाता? तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो दो टो इंजुरीज थी ये कॉनर मैकग्रेगर के डाउनफॉल का रीज़न नहीं था। डाउनफॉल का रीज़न ये था कि हबीब से फाइट करने से पहले कॉनर मैकग्रेगर काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था। 2 साल तक उसने एमएमए में फाइट नहीं करी थी और 1 साल उसने बॉक्सिंग ट्रेनिंग करी थी, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। वो कॉनर मैकग्रेगर बहुत अलग था जो कि कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी 205 में जिसने डबल चैंपियनशिप जीती थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं, और हबीब का मेंटालिटी उस समय एकदम रॉक सॉलिड था। उस समय हबीब एकदम लेजर फोकस्ड इंसान था और उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कॉनर मैकग्रेगर को अगर ये इंजुरीज ना भी होती तो वो इस फाइट को जीतता, थोड़ी बहुत और बेटर परफॉर्म करता हबीब के अगेंस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फाइट का रिजल्ट या आउटकम कुछ और होता। इवन दो मैं मैकग्रेगर का ज्यादा बड़ा फैन हूं और मुझे ये रियलाइजेशन है कि मैकग्रेगर वहां पर स्किल टू स्किल पीछे था हबीब से उस समय। और अगर आप ये सारी चीजें देखिए, एक चीज मेरे को मैकग्रेगर इसीलिए पसंद आता है क्योंकि उसको खुद के बारे में रियलाइजेशन है, वो सेल्फ अवेयर फाइटर है कि हाँ उसकी कितनी कैपेबिलिटीज है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री पूरी देखी होगी तो उस एपिसोड में वो खुद भी बोलता है कि हाँ मेरे को यहाँ पर स्किल टू स्किल हबीब ने बीट कर दिया और जहाँ पे मैटर करता था वहाँ पे उसने मुझे बीट कर दिया। ये एक चीज़ है मेरे को अच्छी लगती है उन फाइटर्स के बारे में जो हारने के बाद डिफीट को अपने ऊपर लेते हैं, ना कि कोई रीज़न बनाने लग जाते हैं कि वेट लॉस हो गया या ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। जैसे होर्हे मास्विडाल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब वो कमारू उस्मान से हारा तो उसने काफ़ी सारे रीजन्स बताए कि मेरे को वेट कट करना पड़ा बहुत ज़्यादा, कमारू उस्मान सिर्फ रेसलिंग करता है वगैरह वगैरह। अगर आप हार रहे हो और रूल सेट के अगेंस्ट आपको फेयर एंड स्क्वायर हराया गया तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसा कॉनर मैकग्रेगर ने हबीब के अगेंस्ट करा। इवन दो इतना ज़्यादा बैड ब्लड था उसने स्टिल एक्सेप्ट करा, और डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया जाता है कि वो खुद बोलता है कि स्किल टू स्किल उसने मुझे बीट कर दिया, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एज अ फैन भी कॉनर मैकग्रेगर का ये सुन के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताइएगा इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, आप सब ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी कि नहीं, आपको कैसी लगी, जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।